जय हिंद दोस्तों। जहां कुछ लोग इस संकट की घड़ी में भी हमारे देश में नफ़रत फैलाने में लगे हुए हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाईचारे की मिसाल बन रहे हैं। जी हां, दरअसल इंदौर में एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू महिला का अंतिम संस्कार किया। इंदौर के तोड़ा जुना गणेश मंदिर के नज़दीक रहने वाली एक बुज़ुर्ग महिला, जिन्हें मोहल्ले वाले दुर्गा माँ के नाम से पुकारते थे, कुछ दिनों से बीमार थी, फिर वह चल बसी। उनके दो लड़के जो कहीं और रहते थे उन्हें बुलाया गया। जब वह आए तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर सके। तभी मोहल्ले के रहने वाले अकील, असलम, मुदस्सर, राशिद इब्राहिम, इमरान सिराज जैसे मुस्लिम भाइयों ने उस बुज़ुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि यही हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है। कमलनाथ ने ट्वीट किया, इंदौर के नॉर्थ तोड़ा क्षेत्र में एक बुज़ुर्ग हिंदू महिला द्रौपदी बाई की मृत्यु होने पर क्षेत्र के मुस्लिम समाज के लोगों ने उनके दो बेटों का साथ देकर उनकी शव यात्रा में कंधा देकर व उनके अंतिम संस्कार में मदद कर जो आपसी सद्भाव की व मानवता की जो मिसाल पेश की वह काबिले तारीफ है। यही हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है। ऐसा दृश्य हमारे आपसी प्रेम सद्भाव व भाईचारे को प्रदर्शित करते हैं। आज के इस माहौल में ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो उन नफरत फैलाने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा है।